दोस्तों नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आज के इस वीडियो के अंदर जनरल साइंस के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को रट डालो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और दोस्तों साथ साथ आप अपना स्कोर जरूर से काउंट करें। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किसमें कितना दम है। दोस्तों मॉक टेस्ट शुरू करते हैं, उससे पहले आप सभी के लिए एक और खास इन्फॉर्मेशन। अनअकैडमी के ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 27 फरवरी 2022 को, तो आप इसमें जरूर से पार्टिसिपेट करें। बैंक एग्जाम के लिए टेस्ट होगा सुबह 10 बजे, एसएससी एग्जाम के लिए दोपहर 2 बजे और रेलवे एग्जाम के लिए शाम 5 बजे। अगर आप इसमें अच्छी रैंक लेके आते हैं तो फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट को लैपटॉप दिया जा रहा है। अगर आप इसके अलावा भी और भी रैंक लेके आते हैं तो काफी सारे रिवार्ड्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री में जीत सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भाग लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? जल्दी से आप दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहां पे होगा ए, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है क्षोभ मंडल, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सी, दिशा, ठीक है। अदिश में यहां पे परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति किसका एकक है? तो दोस्तों एक अश्व शक्ति किसका एकक है, यानी किसकी मात्रक इकाई है? तो राइट आंसर आएगा सी, शक्ति का, ठीक है। दोस्तों शक्ति की इकाई है अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडुपी आधारित है, तो दोस्तों पंडुपी किस नियम के ऊपर आधारित है? जल्दी से आप राइट आंसर अपना बताएं। आपका राइट आंसर आएगा बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर। पंडुपी आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, ठीक है। यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, यदि कोई भी वस्तु अपने द्रव्यमान से अधिक पानी को हटाती है, ठीक है, तो वो पानी में डूबती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है, किस में बदला जा सकता है, ठीक है। जल्दी से आप अपना राइट आंसर बताएं, थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है? आंसर दोस्तों आएगा बी, प्लूटोनियम में, ठीक है। थोरियम के नाभिक को प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, ठीक है, फ्यूज के पदार्थ का इनमें से क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक या फिर उच्च नम्यता? तो दोस्तों राइट आंसर आपका आएगा इसका बी, निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ का गलनांक निम्न होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जैसे ही उसमें ज्यादा मात्रा की धारा प्रवाहित हो तो गल जाए। अगला क्वेश्चन, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कितनी होती? ठीक है, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कितनी होती? दोस्तों राइट आंसर आएगा ए, कम होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, यूरी गागरिन। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय इनमें से क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर आएगा ए, तांबा, ठीक है। सोने के आभूषण बनाते समय तांबा उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के। तो जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आंसर आपका आएगा बी, आयतन घटता है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष में हुई थी? जल्दी से आप अपना आंसर बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष में हुई थी? आंसर आएगा आपका सी, 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? राइट आंसर आएगा ए, तिलहन से, ठीक है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोइटर बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों, आंसर आएगा सी, गला से। ठीक है, गोइटर बीमारी है ये गले से संबंधित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड श्रास ने किसकी खोज की थी? ठीक है, रोनाल्ड श्रास ने किसकी खोज की थी? जल्दी से राइट आंसर बताएं, आंसर आएगा ए, मलेरिया की। ठीक है, रोनाल्ड श्रास ने मलेरिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका आएगा सी, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग है ये विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के सेल को शुष्क सेल कहा जाता है? तो इनमें से किस प्रकार के सेल को शुष्क सेल कहा जाता है? आंसर इसका आपका आएगा बी, प्राथमिक सेल को। ठीक है, प्राथमिक सेल को शुष्क सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर बता सकते हैं, सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? आंसर आपका क्या आएगा, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर आएगा बी, शुतुरमुर्ग। ठीक है, सबसे ऊंचा पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बारूद का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आंसर आएगा सी, रोजर बेकन के द्वारा। बारूद का आविष्कार रोजर बेकर के द्वारा किया गया। ठीक है, सॉरी, रोजर बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा सी, एसीटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों चाय किससे प्राप्त होती है? आंसर आएगा ए, पत्ती से। ठीक है, चाय पत्ती से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में न्यूक्लियर की मौजूदगी का प्रकीर्णन परीक्षण किसने सिद्ध किया? परमाणु में न्यूक्लियर की मौजूदगी का प्रकीर्णन परीक्षण किसने सिद्ध किया? जल्दी से राइट आंसर बताएं, आंसर आएगा आपका सी, रदरफोर्ड ने। परमाणु में न्यूक्लियर की मौजूदगी का प्रकीर्णन परीक्षण रदरफोर्ड ने सिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसकी अधिकता होती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसकी अधिकता होती है? दोस्तों आंसर आपका आएगा डी, फास्फोरस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं? तो किसके अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं? आंसर आपका आएगा बी, फ्लोरीन के सेवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत और हड्डियां किसके कारण मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती हैं? तो दोस्तों दांत और हड्डियां हैं ये किसके कारण मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? राइट आंसर आएगा आपका बी, कैल्शियम के कारण। ठीक है, दांतों में और हड्डियों में कैल्शियम होता है जिसकी वजह से मजबूत और दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा किस में पाया जाता है? जल्दी से आप अपना राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा किस में पाया जाता है? आंसर आपका आएगा इसका सी, मूंगफली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा और तेल रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो दोस्तों वसा और तेल रासायनिक रूप से क्या होते हैं? आंसर आएगा सी, एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, वसा और तेल है ये एल्डिहाइड है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आंसर आएगा ए, 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आंसर आएगा बी, सॉरी दोस्तों आंसर आएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किण्वन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में होता है, कैसा होता है? तो दोस्तों अम्ल है वो स्वाद में कैसा होता है? नमकीन, खट्टा, मीठा या स्वादहीन? आंसर जल्दी से आप बता सकते हैं, आंसर आएगा इसका सी, सॉरी बी, खट्टा। ठीक है दोस्तों, अम्ल है वो खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो होते हैं कड़वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का अनिवार्य घटक कौन सा है? प्रोटीन का अनिवार्य घटक कौन सा है? आंसर आएगा सी, नाइट्रोजन। दोस्तों प्रोटीन का अनिवार्य घटक है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? तो दोस्तों हवा में उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? आंसर आएगा सी, चमगादड़। ठीक है,
चमगादड़ एकमात्र ऐसा जीव है जो स्तनधारी है और हवा में उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्म किसकी इकाई है? तो दोस्तों थर्म किसकी इकाई है, तो इसका आंसर है ए, उष्मा की। ठीक है, उष्मा की इकाई है थर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों रजत क्रांति का संबंध किससे है, आंसर आपका आएगा डी, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी, आंसर आएगा डी, दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत जबर किसके कारण होता है? तो दोस्तों राइट आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं, आंसर आएगा सी, जीवाणु के कारण। ठीक है, आंत जबर है ये जीवाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो दोस्तों शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, आंसर आएगा इसका आपका डी, ग्रेफाइट से। ठीक है, एनोड है शुष्क सेल में, वो ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, आंसर आएगा डी, पीला। लाल, हरा और नीला दोस्तों ये आपके तीन प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, और पीला है प्राथमिक रंग नहीं है, तो राइट आंसर आएगा डी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का ग्रुप है, रक्त का ग्रुप है वो ए है, तो उसे किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, आंसर आएगा बी, ए और ओ ग्रुप का। ठीक है, उसको ए और ओ ग्रुप का दिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या है, आंसर आएगा बी, जिप्सम। जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम है जिप्सम, या हम कह सकते हैं कि जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, बात वही है, बस नाम का ही फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों फिनोल का रासायनिक नाम क्या है, आंसर आएगा सी, कार्बोलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोलिक अम्ल को ही फिनोल कहा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि फिनोल का रासायनिक नाम है कार्बोलिक अम्ल, और कार्बोलिक अम्ल का व्यापारिक नाम कह सकते हैं फिनोल। ठीक है, तो दोस्तों मॉक टेस्ट के 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताओ कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, अर्थात कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। अगर दोस्तों आपका स्कोर 30 से अधिक है, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल जबरदस्त है, और अगर आपका स्कोर कम भी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, बस इन क्वेश्चन को आपको आज के बाद कभी गलत नहीं करना है। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं तो जरूर आपका भी स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। और दोस्तों राजस्थान पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी जो बेस्ट बुक स्टडी जॉब लाइन की टीम ने आपके लिए बनाई है, ये डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें राजस्थान से किरण जी के कंप्यूटर जनरल साइंस और पार्ट सी सभी पार्ट्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, साथ ही जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक का पूरा एक साल का करंट अफेयर्स भी आपको इसमें दिया गया है। तो कोई टेंशन की जरूरत है ही नहीं अगर आप ये बुक डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस मॉक टेस्ट में इतना ही, और आपको कौन कौन से टॉपिक्स के मॉक टेस्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाना। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर जो गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 27 फरवरी 2022 को, इसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बैंक एग्जाम के लिए सुबह 10 बजे, SS एग्जाम के लिए 2 बजे और रेलवे एग्जाम के लिए शाम 5 बजे। अगर आप इसमें अच्छे रैंक लेके आते हैं तो ढेर सारे रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।